कोरोना से निपटने सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे। अब नरसिंहपुर के एक पुलिस थाना के प्रभारी को ही देख लीजिए, खुद मास्क और हैंड ग्लव्स पहनकर निकल पड़े लोगों को समझाने जागरूक करने। टीआई साहब बकायदा अपने स्टाफ को मोबाइल गाड़ी में बिठाकर दिन में 3 बार शहर में राउंड लगाकर अनाउंसमेंट कर रहे। बता दें कि अनाउंसमेंट टीआई साहब द्वारा की जा रही और लोगों को अलर्ट न रहने की नसीहत दी जा रही। इतना ही नहीं, इस मैदान यानी कि इस दौरान जहां भी लोग उन्हें सड़क पर खड़े मिलते वो मोबाइल गाड़ी से उतरकर कोरोना से बचने से टिप्स भी देते रहते हैं। ये टीआई नरसिंहपुर जिले के करेली थाने के अनिल सिंघई हैं, जो खुद से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चला रहे। इतना ही नहीं, इन्होंने सरकार के आदेश के चलते अपने शहर का मार्केट भी शाम 4 बजे के बाद बंद कराने का फैसला किया है और सफल भी रहे। लोग ना सिर्फ उनकी बात सुन रहे बल्कि उनकी इस मुहिम की तारीफ भी कर रहे। मुहिम बहुत अच्छी है और नगर को उससे बचने के लिए, आपदा से बचने के लिए उन्होंने जो अपना अभियान छेड़ा है बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, जो आपदा से लोग कम बच तो सकते हैं, पर हमारे लोगों का ये भी रहना चाहिए कि हमको इसमें योगदान देना है उनके उसमें। और कुछ लोग क्या है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो मास्क वगैरह नहीं ले सकते, तो उनके लिए जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए और उनकी व्यवस्थाएँ कम से कम पैसे में या फ्री उपलब्ध होने कराएं, ताकि गरीब लोग भी उसको ना खरीद सके तो भी उनको उनके पास वो पहुंच जाए मास्क। ये राष्ट्रीय आपदा का विषय है और इसमें बहुत ज़्यादा जन जागरण की ज़रूरत है और इसके लिए एक करेली टीआई की तारीफ करना पड़ेगी। या सुबह खुद ही वो सब अनाउंसमेंट कर रहे थे, बंद करने का बता रहे थे, पूरी तरीके बता रहे हैं, साथ में नगर पालिका के लोग भी लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए इससे जिस मुहिम को अच्छा कर सके। ये जो स्टेज 3rd आने वाली है इससे आदमी पार पा सके। अभी मध्य प्रदेश में कोई केस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे ना हो सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, सजगता बहुत ज़रूरी है। सजगता इतनी आवश्यक है कि आदमी को अपने सब काम छोड़ देना चाहिए और ये सब करना चाहिए। तो थोड़ा सा आदमी को हड़बड़ी नहीं मचाना चाहिए सामान लेने करने में। अगर टाइमिंग 12 से 4 है तो भीड़ ना लगाएं, भीड़ के लिए ही ये सब बंद किया जा रहा है और भीड़ अगर दुकानों में लगेगी तो दिक्कत होगी। संक्रमण के प्रभाव से बचने के लिए कि वो यदि घर से बाहर निकलते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में आवागमन करते हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं अन्य जगह पर जा रहे हैं, तो संक्रमण से बचने के लिए ऐसा मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने, जितना ज़्यादा हो सके उतना हाथ धोएं डिटॉल और उसका प्रयोग करें, और लोगों से बातचीत करते समय 1 मीटर के डिस्टेंस से बात करें। इससे स्वाभाविक रूप से जो वायरस का संक्रमण है वो रुकेगा, उसके वायरस मरेंगे और लोगों की सुरक्षा होगी। लोग सुन रहे हैं सर आपकी बात? हाँ, लोग सुन रहे हैं और हमारे करेली बस्ती में भी समस्त, अभी आप देखिए करीब 90% व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं, लोग चेहरे पे मास्क लगाकर आवागमन कर रहे हैं और कल तक इस स्थिति में और सुधार आएगा। और स्वाभाविक रूप से यदि ये परिस्थितियाँ आए तो करेली नगर संक्रमण से सुरक्षित रहेगा। करेली से मनोज विश्वकर्मा की रिपोर्ट।